हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आप अपने सामने देख रहे हो वैगनर का LXi मॉडल हमारे पास फिर से आ चुका है और फिर से इसके अंदर भाई काम हो रहा है। हम आ चुके हैं ग्रैंड मोटर एक्सेसरीज पे और सारा काम आपको दिखा रहे हैं ग्रैंड मोटर एक्सेसरीज पे क्या क्या काम इसके अंदर कर रहे हैं। प्रॉपर बेस मॉडल है, शाम में ये भाई गाड़ी तैयार हो जाएगी, उसके बाद भी आपसे शेयर करूँगा कि क्या क्या इसमें काम करेंगे। बाकी अभी पूरी रॉ कंडीशन गाड़ी की देख लो। ये भाई अपना कोई स्टीरियो नहीं, कोई स्पीकर नहीं, कोई सीट कवर नहीं, कोई स्टेयरिंग कवर नहीं, पीछे स्पॉइलर अलॉय व्हील कुछ भी नहीं है इसमें। और पूरी भाई जैसे साइड में डिट्टो गाड़ी खड़ी है ना, इसकी तरह तैयार करेंगे। पीछे देख लो CNG वाला मॉडल है, कोई CNG ट्रे नहीं। साथ के साथ इसमें बूफर वगैरह भी इंस्टॉल करेंगे और तगड़े वाला बूफर इंस्टॉल करेंगे पाइनियर वगैरह का, ठीक है। तो अच्छा खासा इसमें सिस्टम आएगा। तो ये अपने पास साइड में गाड़ी खड़ी है, सेम इसकी तरह हमें इस गाड़ी को तैयार करना है ग्रैंड मोटर एक्सेसरीज पे। बेस्ट, जैसा कि भाई हर बारी बेस्ट काम होता है और बेस्ट काम आपको करके देते हैं और साथ के साथ गुड क्वालिटी का। तो भाई बिल्कुल आप आ भी सकते हो, अंदर ले चलता हूँ। पहले क्या हो रहा है, तो भाई ये गत्ते वगैरह सारे खुल चुके हैं। गत्ते वगैरह खुलने के बाद इसके अंदर हम फिट कर रहे हैं आगे मिड रेंज, ठीक है। मिड रेंज के लिए हम करेंगे इसके अंदर डैम्पिंग, डैम्पिंग के साथ साथ पीछे हम करेंगे इसमें JBL के स्पीकर्स इंस्टॉल, जिसको हम एम्पलीफायर पर कनेक्ट करेंगे तो सारी वायरिंग होगी। और बैटरीज हम इसके अंदर 8 गेज की वायरिंग डालेंगे ग्रैंड मोटर एक्सेसरीज पर भाई, जैसा कि अपना काम हो रहा है ये चीज़ देख लो। और पूरी भाई गाड़ी आप तैयार होते हुए देखोगे, उसका भाई मज़ा भी अलग होगा। और क्या क्या चीज़ें हम लगा रहे हैं वो भी चीज़ आपको दिखा पाएंगे और क्या कुछ काम कर रहे हैं वो भी आपको दिखा पाएंगे। तो सबसे पहले इधर आगे देख लो, DBS की हमने इसके अंदर डैम्पिंग कर दिया, मिड रेंज इंस्टॉल कर दिया प्रॉपर तरीके से भाई। जहाँ 2 mm की डैम्पिंग होनी चाहिए वहाँ हमने 2 mm की करी, जहाँ हमें लगे कि भाई 2.1 mm करनी है, 2.2 करनी है या 2.5 करनी है, वहाँ हमने वो चीज़ करी। तो वो भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख लो भाई अल्फार्ड के हम इसके अंदर मिड रेंज डाल रहे हैं। बाकी कस्टमर ने कहा था सर कि हमें प्रॉपर क्लियर आवाज़ चाहिए, तो क्लियर आवाज़ के लिए ना और अच्छे खासा लाउड सेटअप के लिए हम उसके अंदर डाल रहे हैं। बाकी इधर देखोगे साथ के साथ स्टीरियो इंस्टॉल कर रहे हैं, ब्रोमैक्स का भाई सबसे बेस्ट स्टीरियो है अपने प्राइस रेंज में, 232, कहीं से कोई लैग नहीं। वायर कटिंग का दिखाता हूँ भाई आपको, ये भाई कंपनी का कपलर, ये हमारा कपलर। अब जो हमें छिड़कानी करनी होगी हम अपने कपलरों में करेंगे, ठीक है, वायर वगैरह छीलनी होगी। जो कंपनी का कपलर है एज इट इज़ रहेगा, इसको बोलते हैं भाई कपलर टू कपलर काम और प्रॉपर तरीके में काम, तो वो हम कर रहे हैं। पीछे हमने गोल्डन सीरीज़ की क्रेडर की इसके अंदर हम डैम्पिंग करी है, आगे DBS की डैम्पिंग करी है क्योंकि भाई उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा थी तो इसलिए हमने थोड़ी बढ़िया डैम्पिंग आगे करी। तो हम ब्रोमैक्स का इसके अंदर स्टीरियो लगा रहे हैं। बाकी चीज़ें दिखाऊँ इसके अंदर क्या क्या लगा रहे हैं, तो चीज़ें भाई देखो अल्फार्ड की, सबसे पहले इसके अंदर एक पेयर मिड रेंज डाल रहे हैं, ठीक है, और साथ के साथ जो पीछे होगा ना उसमें कोएक्सियल वगैरह डालेंगे। तो भाई आगे अपना इसमें हम मिड रेंज डाल के क्रेडर की अपनी प्रॉपर डैम्पिंग कर रहे हैं। साथ के साथ अगर आपको दिखाऊं तो S&B का 9200 वॉट्स की हम इसके अंदर वो चीज़ लगा रहे हैं एम्पलीफायर, जो कि भाई प्रॉपर रन करेगा इसको। JBL का एक 1500 वॉट का बूफर लगाएंगे। बाकी DBS की भाई थोड़ा ना अंदर डैम्पिंग लगाएंगे, आपका 2 mm की ये भाई डैम्पिंग होती है और बाहर जो होगा वो 2.2 mm की हम इसके अंदर डैम्पिंग लगा रहे हैं क्रेडर की। और भाई बेस्ट तरीके से इसके अंदर काम करके देंगे। एक भाई गोल्डन सीरीज बाहर साइड कर रहे हैं, अंदर साइड बात करोगे तो अंदर साइड ब्लैक वाली लगा रहे हैं। और साथ के साथ पीछे भी दिखाऊँ तो ये भाई देख लो, अभी पहले पोछा जाता है और कंपनी की अपनी जो पन्नियाँ आती है वो उतारी जाती है। साथ के साथ इधर दिखाऊँ तो इधर देखो ये पूरा जैसे पैक कर दिया ना एक शीट में भाई, ये पूरा पैक कर दिया। और साथ के साथ पीछे दिखाऊं तो पीछे यहाँ पे CNG ट्रे लगाएंगे, इसको हटाएंगे, बूफर लगाएंगे, कर्टेन इसके अंदर लगा दिया और साथ के साथ अलॉय व्हील्स का भी अभी देख रहे हैं सर, प्लान कर रहे हैं उसके बाद वो लगाएंगे। पीछे भी आपको नॉर्मल ये था कि कोएक्सियल वगैरह चाहिए था तो नॉर्मल पीछे कोएक्सियल अपना डाल दिया। आगे अपना ये क्रेडर का एक कैमरा इसके अंदर लगा रहे हैं, साथ के साथ बात करोगे आगे हेडलाइट्स में अपग्रेड करेंगे, साथ के साथ फॉग लैंप्स अपग्रेड करेंगे, छत रैप करेंगे, नीचे का डिफ्यूज़र बनाएंगे और भाई यहाँ पर रेड स्ट्रिप्स लगाएंगे, प्रॉपर GT लाइन वेरिएंट इसके अंदर बनाएंगे इसको। और LXi है भाई, यहाँ से भी देख सकते हो पूरी गाड़ी का काम लगभग हो रहा है। एक बार होल इन दो फिर उसके बाद आपको काम चेकआउट कराता हूँ कैसा कुछ इसके अंदर काम लगभग हो रहा है और कैसी कुछ गाड़ी भाई तैयार होकर निकल कर आई। यहाँ पर देखोगे तो लगभग जो है सेंटर लॉकिंग वगैरह वो सारी चीज़ें भाई यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। बाकी फ्यूज़ वगैरह दिखाऊँ भाई, यहाँ पर प्रॉपर फ्यूज़ वगैरह भी लगा दिया। और साथ के साथ बात करोगे ये बैटरी से वायर डालेंगे तो कनेक्ट की इसके अंदर वायरिंग डाल रहे हैं प्रॉपर, आप यहाँ पे देख सकते हो करेक्ट की 8 गेज का वायरिंग इसमें डाल रहे हैं। साथ के साथ नीचे दिखाऊँ तो भाई नीचे देखो अपना, ये जो देख रहे हो रेड लाइनिंग हमने इसके अंदर लगा दी। बाकी इधर देखो अंदर भाई सारी वायरिंग वगैरह चल रही है, सारा काम खुल के हो रहा है। अब भाई मैं आपको मेन दिखाता हूँ कि कैसे जो बोलते हैं वायर कटिंग ना हो तो वो चीज़ होती है। अब भाई आप सोच रहे हो ना इतनी वायर कट कर दी है, वायर कट नहीं करिए। यहाँ पर देख रहे हो ये अपना आ रहा है कंपनी का कपलर, तो ये चीज़ देख रहे हो ये कंपनी के कपलर में हमने अपना लगाया मेल फीमेल, ठीक है, इसको मेल फीमेल कपलर बोलते हैं। और ये भाई यहाँ पर अपना फिक्स कर देंगे प्रॉपर कपलर टू कपलर। अब जो वायर वगैरह कटिंग करनी होगी हमें इसके अंदर करनी है, ये अपनी RC लीड वगैरह आ गई। साथ के साथ यहाँ पर ये सारी वायरिंग वगैरह हमने एम से जोड़ दी,
ढाई लो एक कन्वर्टर इसके अंदर लगा रहे हैं, ठीक है। और ले चलो पीछे, तो पीछे देख लो JBL का 1500 वाट का हमने इसके अंदर वूफर फिट कर दिया। नंबर प्लेट पे फ्रेम भी लगा रहे हैं, यहाँ पे लाइटें देख रहे हो, लाइटें स्मोक हो रही हैं, तो ये भी एक बार होल इन दो, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा। बाकी पीछे रिफ्लेक्टर वगैरह पे फिक्स करेंगे, उसके बाद आप इसकी लुक चेकआउट करना गाड़ी की, कैसी कुछ आ रही है निकल कर और क्या कुछ लुक इसके अंदर गाड़ी के अंदर आई है। बाकी भाई यहाँ पर देखोगे साथ के साथ जो जो अपना मैं दिखा देता हूँ काम हो रहा है। और ऊपर देख रहे हो तो यहाँ पर हम रूफ रैप कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर ब्लैक चाहिए थी सर को, तो ऊपर भाई रूफ रैप कर रहे हैं। पिलर वगैरह इसमें ब्लैक की नीड नहीं थी, तो ब्लैक तो नहीं कर रहे। बाकी रूफ वगैरह जो कर रहे हैं हम रैप, एवरी का रैप करते हैं प्रॉपर, और पूरा भाई जैसे ना शैम्पू वॉश वगैरह करके उसके बाद ही होती है रैप, ऐसे गंदगी में कभी रैप नहीं होती। तो यहाँ पर देख लो हीट गन वगैरह से होगी प्रॉपर तरीके से, वैसे अगर जब धूप होती है तब तो आराम से चल जाती है ये। देख रहे हो गाड़ी लगभग जो भी है रेडी हो चुकी है, ठीक है। अभी भाई अभी इसमें ना थोड़ी देर बाद मैं आपको कंटिन्यू इसमें ही वीडियो में एडिट करके लगा दूंगा, जो अभी अलॉय व्हील्स वगैरह इसके अंदर लगेंगे, तो वो भी मैं क्लिप इसके अंदर ही पार्ट डाल दूंगा। सबसे पहले फ्रंट से दिखाऊं तो फ्रंट से क्या किया, तो भाई बम्पर प्रोटेक्टर लगाए हैं, नीचे अपने भाई फॉग लैंप लगाए हैं, जिसके आगे भाई DRL होती है, छोटी फॉग लैंप होती है, जो ये देख रहे हो वाइट जल की, अंदर पार्किंग बल्ब चेंज कराया और आगे LED चेंज कर लिया। अब भाई इसकी रोशनी वगैरह देखो कैसी कुछ आती है, बाकी LED वगैरह आपको जला के दिखाता हूँ, एक बार जलाओ। तो भाई यहाँ पर रोशनी वगैरह देखो कैसी कुछ आती है ये, तो भाई प्रॉपर रात में ही आपका उजाला कर देगी। यहाँ से ले चल के दिखाऊं तो भाई ये भी देखो रात में उजाला उजाला कर देगी। तो भाई ये चीज़ है अगर किसी भाई को लगवाना है, बाकी नीचे देखोगे ना तो यहाँ पर रेड लाइनिंग सी भी लगा दी है, लाल स्ट्रिप सी, तो किसी भाई को ये भी जैसे प्रॉपर GT लाइन वाला वेरियंट बनाना है तो वो भी अपने पास बन जाएगी। बाकी ये चीज़ भाई यहाँ पर देख रहे हो, अंदर ले चल के दिखाऊं तो बाकी बाहर से डोर वाइजर वगैरह होगी, साइड बीटिंग होगी, ये जो ये तो भाई अपनी कंपनी से लगी आई थी, तो किसी भाई को ये भी अपने पास लगवाना लग जाएंगे। अंदर के कर्टेन हो गए, ये देख रहे हो भाई अपना फुट मैट डाल दिए, ठीक है, प्रॉपर 14 mm वाली फुट मैट है। नीचे एटमोसफेयर लाइट लगा दी, ये चारों भाई अपना ना देखोगे इससे कंट्रोल्ड भी होती है लाइट वगैरह से। और यहाँ से मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, तो भाई ये कलर भी चेंज हो गया, साथ के साथ वाइट दिखाऊँ तो भाई ये वाइट भी हो गया, तो किसी भाई को ये भी चीज़ लगवानी हो लग जाएगी। बाकी इसमें दिखाता हूँ मेन जो अपना आर्मरेस्ट वगैरह फिक्स किया है, तो यहाँ पे ये आर्मरेस्ट देख लो लकड़ी वाला, और भाई प्रॉपर इसी पे फिट हो जाता है और निकलता वगैरह भी नहीं है। बाकी यहाँ पे ब्रोमैक्स की स्क्रीन लगाई है, ठीक है, 232 ये प्रॉपर है, और लैग वगैरह इतनी बढ़िया स्क्रीन है भाई, कम पैसों में सबसे बेस्ट स्क्रीन है ये, ठीक है। और आउटपुट वगैरह भी इसका काफ़ी बेहतर है, एक्सप्लोड वगैरह से लगाते हैं। आगे इसके अंदर मिड रेंज डाली है, ठीक है, अल्फार्ड की मिड रेंज डाली है, पीछे JBL के कोएक्सियल डाले हैं, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे देखोगे ना पीछे JBL के कोएक्सियल डाले, और साथ के साथ डैम्पिंग भी करी है। अब चारों दरवाजे में डैम्पिंग आपको दिखाता हूँ, कहाँ से पता लगेगा, तो ये देखो ये भाई अपना खाली है, ये देखो ये भाई हो गया ना ऐसे, तो ये भाई थोड़ा हल्का सा पड़ जाता है और ये थोड़ा हैवी, तो साउंड प्रूफिंग भी होगी गाड़ी में साथ के साथ। और यहाँ पर पीछे देखोगे तो पीछे भी अपनी कर दिया, तो ये भाई अपनी सिंगल लेयर करी है, ये डबल लेयर करी है, क्योंकि इसमें भाई अपनी वो है अल्फार्ड की मिड रेंज डाली है। पीछे ले चलूँ तो लाइटें वगैरह स्मोक करी है, ये चीज़ देख लो साथ के साथ लाइट वगैरह स्मोक कर दी, बम्पर प्रोटेक्टर पीछे भी लगा दिया, रिफ्लेक्टर्स इसमें नहीं लगाए, कैमरा इसके अंदर लगा दिया, साथ के साथ बात करोगे पीछे का कर्टन लगा दिया, और एक ब्लैक स्पॉइलर लगा दिया जो कि प्रॉपर क्लैम्प से फिट होता है। यहाँ से आप देख सकते हो कोई छेद नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, प्रॉपर क्लैम्प टू क्लैम्प इसकी फिटिंग होती है। और ले चलूँ आगे से दिखाऊँ, अब भी ब्लैक कर दिया अपना, तो यहाँ से ये चीज़ देख सकते हो ना, तो ये प्रॉपर रैप कर दिया एवरी का, ये पूरा रैप करा है। और भाई यहाँ से ग्लॉस वगैरह देख सकते हो, फिनिशिंग वगैरह प्रॉपर तरीके में, पीछे लाइट वगैरह स्मोक करके और फिर फिटिंग वगैरह कर दिया इसके अंदर। बाकी अभी अलॉय व्हील वगैरह की क्लिप मैं इसके अंदर डाल दूँगा कैसे कुछ अलॉय व्हील वगैरह का है। बाकी पीछे से ले चलूँ तो पीछे से आपको दिखाता हूँ, ये भाई पीछे से अपनी CNG ट्रे हमने इसके अंदर बना दिया, यहाँ से भाई स्पेस वगैरह भी देख सकते हो, सामान डाल सकते हो, साथ के साथ CNG ट्रे भी हो गया ये, ठीक है। और एंड्रॉयड वगैरह मैंने आपको दिखा दिया अंदर से, बाकी लगभग इतना ही जो भी काम था अपना पूरा वो इसके अंदर हमने, इंडिकेटर भी हमने इसके अंदर हटा दिया, क्योंकि भैया कह रहे हैं भाई ZXI वाला अपना पूरा बना दिया, तो ये इंडिकेटर अपने हटा दिए, और गैलियो के प्रॉपर हम ये चीज़ लगा रहे हैं, ठीक है, साइड वेंट्स बोलते हैं इसे, प्रॉपर हमने इसके अंदर साइड वेंट्स लगा दिए, ठीक है। और साथ के साथ बात करोगे पीछे दिखाता हूँ, तो पीछे भाई ये चीज़ देखो पूरी पेटी भी हमने ट्यून्ड की, पायनियर का अपना चैंपियन सीरीज हमने इसके अंदर जो ये देख रहे हो ना वूफर लगा दिया, और भाई बेस्ट वूफर है ये, और आवाज़ वगैरह काफ़ी अच्छी। बाकी पीछे से लुक वगैरह चेकआउट कर सकते हो कैसी कुछ लुक आ रही है। अब ले चलता हूँ भाई अलॉय व्हील का आपको दिखाता हूँ, अलॉय व्हील भी इसके अंदर सेट कर रहे हैं, तो वो भी देखना, और तैयार करने के बाद गाड़ी देखना कैसी कुछ एंड बना देंगे गाड़ी का। और भाई फिटिंग वगैरह होने के बाद गाड़ी का लुक भी आप चेकआउट कर रहे हो कैसा कुछ लुक वगैरह, गाड़ी का व्हील वगैरह जो है ना इसके ये रखे हुए हैं, और साथ के साथ यहाँ पे बैलेंसिंग की मशीन है, बैलेंसिंग वगैरह करके उसके बाद यहाँ पे टायरों में हवा वगैरह भरेंगे। एक बार साथ के साथ यहाँ पर भी दिखाऊँ तो इधर देखोगे तो 15 इंच का तो भाई सीधा फिट हो जाता है,
और गुटके वगैरह की ना 16 इंच में ज़्यादा जरूरत पड़ती है, 15 इंच में मेरे ख्याल से भाई की जरूरत पड़ती है, जो कि 15 इंच में देख भी रखा है। और यहाँ पर भाई जैसे मैंने बताया था आपको अलॉय व्हील का भी काम करेंगे इसके अंदर, पूरी भाई गाड़ी लगभग तैयार करेंगे। तो ये भी चीज़ देख लो अभी कैसे ये है रिम, ठीक है, और एक बार हो जाने के बाद भाई रिम देखना और गाड़ी की लुक भी देखना, अभी पूरी निकल के जब आएगी ना लुक तो ये भी चीज़ देखना। तो अपने पास आते हो अलॉय व्हील की भी हो जाता है और बेस्ट रेट लग जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एक बार फिट हो लें तो फिट होते हुए आपको दिखाऊंगा कैसे कुछ इसके अंदर फिट होते हैं। बाकी पुराने अलॉय व्हील तो कभी मिल जाते हैं, ये चीज़ देख रहे हो, ये वरना का डिज़ाइन है। और बाकी ये भी देख लो साथ के साथ यहाँ पर नए भी अलॉय व्हील है तो नए भी देख लो, किसी बाइक को 15, 16, 14, 13, 12 ये सारी चीज़ें मिल गई, ठीक है। अभी भाई ये है कि कम थोड़ी वेराइटी रख सकती है क्योंकि नॉर्मली अपना जो हमारी रनिंग गाड़ियाँ होती हैं यही होती हैं, बाकी ऑर्डर पे जो भी होते हैं वो आ जाती हैं, तो ये चीज़ है। बाकी एक बार तैयार वार हो लें दो उसके बाद। तो यहाँ पर देख रहे हो भाई जो अलॉय व्हील्स वगैरह हैं वो भाई इस साइड पे पूरे फिट हो चुके हैं प्रॉपर, भाई जो अपना कंपनी का सेट होता है वो अपना निकाला और ये अपना डाल दिया, ठीक है। कोई कटिंग वगैरह नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। जेके का इसके अंदर हमने टायर लगाए 175/65 R15, ठीक है। तो 15 इंच का इसके अंदर हमने अलॉय व्हील टायर दोनों लगाए, कंपनी से पहले 13 इंच आते थे तो भाई 13 इंच बहुत छोटे हो जाते हैं, 14 इंच कंपनी ऊपर वाले मॉडलों में देती है, तो 15 इंच 1 इंच बढ़ाने में कोई दिक्कत होती नहीं है, तो अपने 1 इंच या 2 इंच तक बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी वैसे भी कैपेबल है ये वैगनर, ठीक है। इसमें भाई कम से कम 17 भी डाल लो तो 17 में ये होता है कि बहुत ज़्यादा ही अनकम्फर्टेबल हो जाती है गाड़ी चलाने में, मज़ा नहीं रहता। 15 इंच में यह है खड्डों में कुदाओ जहाँ मर्जी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रोफाइल हमने इसकी अच्छी खासी रख रखी है, 65 की इसके अंदर प्रोफाइल रखी है जो जेन्युइन कंपनी से आती है 65 की प्रोफाइल। अब जो पूरी गाड़ी में है फिटमेंट वगैरह कर दी है भाई, गाड़ी की लुक देखो कैसी कुछ आ रही है। अभी ना गाड़ी थोड़ा ऐसे टेढ़ी मेढ़ी खड़ी है, यहाँ से भी मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो भाई अभी ना गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी खड़ी है, बाकी बॉडी से इतने अपने बाहर आ जाते हैं, ये चीज़ देखो। और लुक वगैरह कैसी कुछ आ रही है भाई ये भी चीज़ देखना यहाँ पर, ठीक है। लुक वगैरह अभी जब मुड़ेगी तब उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कैसे कुछ अपनी लुक वगैरह निकल कर आ रही है और क्या कुछ भाई इसमें रिपोर्ट वगैरह प्रॉपर वगैरह तरीके से आई है। तो एक बार हो लें दो फिट सारा कुछ फिर तब दिखाऊंगा। और बाकी मेन जो एक्सेसरीज अलॉय व्हील्स के बाद पूरा जो लुक निकल कर आ रखा है तो वो भी भाई मैं चीज़ एक बार आपको साथ के साथ दिखाई दूँ। होप करता हूँ गाइज आपको वीडियो सही लगी होगी, बाकी वीडियो सही लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके भाई ज़रूर कुछ भी आप पूछ सकते हो, बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और भाई बढ़िया काम कराना है बिल्कुल आप आ सकते हो ग्रैंड मोटर एक्सेसरीज पे, क्वालिटी वाला काम मिलेगा और सबसे बेस्ट प्राइस पे गारंटीड है। और किसी भाई को सामान कोई अच्छा भी लगा और भाई आप आ नहीं सकते तो अदर स्टेट में हम डिलीवरी भी करा देंगे। तो यहाँ पर भाई नंबर भी आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, बाकी सामने बोर्ड वगैरह भी देख लो, रोहिणी सेक्टर 3 ही मैं अपना स्टोर। तो बिल्कुल आओ काम कराओ और प्रॉपर तरीके से भाई आपको काम करके देंगे। थैंक यू सो मच वीडियो।